Hello everybody, my name is Rohit and welcome to my channel Code Code Code. So if you are new to this channel, then do consider subscribe to my channel. तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म का जो लास्ट टॉपिक है मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग, जिसको कि हम लोग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी. ठीक है, इससे पहले मैं सारा ऊप्स कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, अब कुछ ही ऊप्स कॉन्सेप्ट बचा है. तो मैं क्या करूंगा, जितने भी ऊप्स कॉन्सेप्ट है उसको एक वीडियो में कंबाइन कर दूंगा ताकि तुम लोग सारा ऊप्स को एक बार ही देख सको. ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड देन पाइथन का जो है फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे. उसके बाद पूरा पाइथन खत्म हो जाएगा अच्छे से, मतलब पूरा लैंग्वेज अच्छे से सीख जाओगे. उसके बाद हम लोग चलेंगे मेन चीज पढ़ने, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स ऑफ एवरी चैप्टर. ठीक है, तो फटाफट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. और ऑलरेडी मैं सारे जॉब लेटेस्ट अपडेट देते रहता हूँ जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फटाफट जाओ वहां पे रजिस्टर कर लो. तो पॉलीमॉर्फिज्म का जो है तुम्हारा मेन टॉपिक, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म का हम लोग बोलते हैं, एक चीज बाकी है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. ओके, एंड तुम्हारा एक चीज और आता है कंपाइल टाइम. ठीक है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और सेम ऐसे ले लिए हम लोग. इसका क्या मतलब है भैया, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म किसको कहते हैं और कंपाइल टाइम किसको कहते हैं? तो रन टाइम को ही हम लोग सेम चीज किसको बोलते हैं, हम लोग मेथड ओवर राइडिंग को हम लोग बोलते हैं तुम्हारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और तुम्हारा हो जाता है मेथड ओवर लोडिंग. ओके, तो भैया सबसे पहले समझा दीजिए कि मेथड ओवर लोडिंग और मेथड ओवर राइडिंग होता क्या है. लेट मी हेल्प यू. तो सबसे पहले हम लोग मान लो कोई भी फंक्शन है. ठीक है, उसमें अगर हम लोग का ए और बी एज अ पैरामीटर दिया हुआ है, तो मेथड ओवर राइडिंग में क्या होगा कि तुम्हारा सेम फंक्शन नेम होगा. मतलब कि हम लोग को दो फंक्शन नेम लिखे हैं हम लोग, तो इस दो फंक्शन में ध्यान से देखो, इस दो फंक्शन में तुमको कोई अंतर लग रहा है? कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है. फंक्शन नेम भी सेम है और उसके अंदर जो पैरामीटर्स है वो भी सेम है. तो इस टाइप का अगर चीज हुआ तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, मेथड ओवरराइडिंग. मींस कि मेथड ओवरराइडिंग को हम लोग बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एंड द सेम वे वी विल कॉल इट एज अ मेथड ओवरराइडिंग. देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेथड ओवरराइडिंग? सेम फंक्शन नेम विद सेम सिग्नेचर इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग. ओके, अब यहां पे ध्यान से देखो, पाइथन में बाय डिफॉल्ट मेथड ओवर राइडिंग नहीं होता है, सॉरी ओवरलोडिंग नहीं होता है बाय डिफॉल्ट. तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड. पाइथन में तुम्हारा क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट ओवरलोडिंग नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट ओवरलोडिंग नहीं होता है. ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट ओवरलोडिंग नहीं होता है. ओके, तो हम लोग क्या करें, तो हम लोग को यहाँ पे अचीव करना होता है. तो अचीव कैसे करेंगे वो हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे. उससे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका सेम फंक्शन नेम तो होता ही है, लेकिन बताओ अंतर क्या होगा. तो फंक्शन नेम भैया सेम है, फंक्शन नेम सेम है, और यहाँ पे हम लोग पास कर दिए ए कॉमा बी एंड देन वी हैव टू कॉपी ऑल दोस थिंग्स. और यहाँ पे ऐसे हम लोग पेस्ट किए इसको, सेम चीज है, लेकिन यहाँ पे एक चीज का अंतर हो जाएगा, वो है पैरामीटर. तो पैरामीटर का अंतर क्या है, मतलब कि इसमें हम लोग मेथड ओवरलोडिंग में हम लोग का कंपाइल टाइम बोलते हैं इसको, इसी को हम लोग मेथड ओवरलोडिंग में बोलते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ओवरलोडिंग इसमें होता नहीं है. वी हैव टू अचीव मेथड ओवरलोडिंग बाय आवरसेल्फ, हम लोग को खुद से अचीव करना होता है पाइथन में. तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफिनीशन है सिंपल सा कि सेम मेथड नेम होगा लेकिन यहाँ पे जो पैरामीटर्स होगा वो डिफरेंट होगा, यानी सेम पैरामीटर्स बट डिफरेंट सिग्नेचर्स. तो ये चीज हम लोग समझ गए. अब इसमें हम लोग को हमेशा इनहेरिटेंस चाहिए ही चाहिए, हम लोग को इसमें क्या हो गया कि इनहेरिटेंस चाहिए ही चाहिए. तो हम लोग को इसमें इनहेरिटेंस ऑलवेज चाहिए भैया, बिना इनहेरिटेंस के तुम्हारा मेथड ओवरराइडिंग कभी नहीं होगा. और तुम्हारा देखो इसमें विदाउट इनहेरिटेंस और विद इनहेरिटेंस दोनों तरीके से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. तो विदाउट इनहेरिटेंस और विद इनहेरिटेंस ऐसे हम लोग लिख सकते हैं. तो ये तुम्हारा दो तरीका हो गया, जिससे कि हम लोग क्या होगा, तुम लोग का पूरा डिफरेंस पता कर लिए कि क्या होता है मेरा मेथड ओवरराइडिंग, क्या होता है हम लोग का मेथड ओवरलोडिंग. तो अब हम लोग इसको कमेंट करते हैं और फटाफट हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखते हैं ताकि हम लोग को अच्छे से समझ में आए, फिर मैं लास्ट में समराइज कर दूंगा. तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, इसको
फटाफट इसको हम लोग अचीव करते हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे, जस्ट राइट डेफ और जस्ट इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे कमेंट करेंगे, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। और हम लोग इसको जूम इन करते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एक फंक्शन का नाम। उससे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का नाम लिख लेते हैं, क्लास पर्सन रखते हैं हम लोग, ठीक है पर्सन। और यहाँ पे हम लोग फंक्शन का नाम रखते हैं डिफाइन रोहित या डिफाइन रोहित। ओके तो यहाँ पे हम लोग रख दिए और यहाँ पे हम लोग पास कर दिए सेल्फ। और यहाँ पे हम लोग बोले कि प्रिंट, यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, प्रिंट माई नेम इज रोहित, जो माई नेम इज रोहित। और फिर हम लोग क्लास एक लिखते हैं, यहाँ पे बनाते हैं हम लोग पर्सन की जगह हम लोग का नाम दे देते हैं पर्सन। और यहाँ पे लिखते हैं कि आई एम ए बॉय, आई एम अ बॉय, डायरेक्ट लिखते हैं आई एम अ बॉय। ओके वेरी गुड। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्लास नेम, एन कैपिटल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डिफाइन, यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं अपने मेथड का रोहित टू, या फिर रोहित सेम नाम देना होगा ना, माई बैड। तो यहाँ पे हम लोग को सेम नाम देना होगा। यहाँ पे हम लोग मेथड ओवर राइडिंग का लिख रहे हैं और ये मेथड ओवर राइडिंग अचीव कैसे करते हैं, माई नेम इज रोहित। अब इसको मैं अच्छे तरीके से समझाता हूँ, माई नेम इज रोहित। ओके चलो भैया, तो हम लोग इसको अचीव कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्ट बना लें। और भैया मेथड ओवरराइडिंग बिना इनहेरिटेंस के नहीं होता है, तो हम लोग इसको अचीव कर लेते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। अब हम लोग अपना नाम दे देते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के नाम से, ऑब्जेक्ट वन। और यहाँ पे कॉल कराते हैं हम लोग सिर्फ नेम को, क्यों, क्योंकि हम लोग को सिर्फ इनहेरिटेंस हो चुका है, यानी कि वो ऑलरेडी इनहेरिट कर लिया है इसका फीचर्स को, तो हम लोग को सिर्फ एक ही फंक्शन को कॉल कराना होगा। ऑब्जेक्ट वन डॉट रोहित को कॉल करेंगे तो क्या प्रिंट होगा। तो देखो हम लोग क्या किए, यहाँ पे सेम फंक्शन नेम है, सेम मेथड नेम है और सेम पैरामीटर है, हम लोग इसको क्या कर दिए हैं, ओवरराइड कर दिए। मतलब जो पहले था कि बता रहा था कि भैया आई एम ए बॉय, तो यहाँ पे ये जो रोहित बता रहा था कि सिर्फ मैं बॉय हूँ, उसको तो अपना नाम भी जानना है, तो इसके लिए क्या बता दिया वो, अपने बारे में कुछ और फीचर ऐड कर दिया। यहाँ पे ये जो क्लास पर्सन था तुम्हारा, ये सिर्फ बता रहा था कि रोहित एक लड़का है, ठीक है, उसका नाम नहीं पता था हमको, उसका नाम नहीं पता था। तो हम लोग यहाँ पे फंक्शन का नाम चेंज कर देते हैं, नेम या डिस्क्रिप्शन या बायो, बायो नाम रख देते हैं, हम लोग को बायोग्राफीज के बारे में जानना है तो बायो रख दो, सॉरी यहाँ पे पर्सन का नाम होगा और यहाँ पे हम लोग बायो कर देते हैं और बायो कर दो, जस्ट क्योंकि यहाँ पे एक मेक सेंस बोले, दिस मेक सेंस, तो ऐसा एक लगना चाहिए कि टोटली मेक सेंस। ओके तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग बायो कॉल किए तो बोला भैया कि जो है ये जो लड़का है इसका सिर्फ नाम बता रहा है, आई एम अ बॉय। अब यहाँ पे बोल रहे हैं भैया नहीं, यहाँ पे बता रहा है कि मैं सिर्फ लड़का नहीं, मैं रोहित भी हूँ। तो यहाँ पे क्या किया, ये जो मेथड नेम है इसको ओवरराइड कर दिया, मतलब इसका तो फीचर रहेगा ही रहेगा, इसका फीचर रहेगा और अपना फीचर भी ऐड कर दिया, और ताकि जो मेरा फंक्शन नेम है, जो मेथड नेम है, जो डिस्क्रिप्शन है मेरे बारे में, और खूबसूरती से वो दिखे, ठीक है। तो हम लोग इसको फटाफट रन करते हैं और इसको समझते हैं कि क्या कह रहा है मेरा प्रोग्राम। तो भैया बता रहा है कि माई नेम इज रोहित ही ओनली प्रिंट हुआ, वाई, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट बायो की ये तो बता रहा है तुम्हारा। हाँ एक चीज और, यहाँ पे हम लोग को एक और कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होगा, माई बैड, यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट वन, और यहाँ पे हम लोग को कॉल कराना होगा तुम्हारा क्या, पर्सन, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। और यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं ऑब्जेक्ट और यहाँ पे हम लोग को प्रिंट कराते हैं क्या, ऑब्जेक्ट डॉट, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कराते हैं बायो। तो हम लोग दोनों बायो को कॉल करा दिया, अब प्रिंट होगा मेरा आई एम अ बॉय एंड माय नेम इज रोहित। अब इसका क्या मतलब है भैया, एक बार अच्छे से हमको समझाइए। तो यहाँ पे सिर्फ माय नेम इज रोहित ही क्यों प्रिंट हुआ जब हम लोग ऑब्जेक्ट वन डॉट बायो को कॉल किए, तो इसको क्यों, क्योंकि देखो जब भी इनहेरिटेंस हम लोग करते हैं तो अगर सेम फंक्शन नेम हो, सेम मेथड नेम हो और सेम पैरामीटर्स भी है, अगर हम लोग कॉल करना चाहें तो सबसे पहले वो कहाँ चेक करेगा, नीचे से जाता है, यानी कि सबसे पहले वो अपने यहाँ पे चाइल्ड क्लास में चेक करेगा कि चाइल्ड क्लास में वो फंक्शन या मेथड नेम है कि नहीं। तो चेक किया कि यहाँ पे मेरा वो बायो मेथड नेम है कि नहीं, अगर वो नहीं है तो वो किसको कॉल करेगा, ये वाले मेथड नेम को, अगर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहता तो वही चीज है। तो जब अगर इनहेरिटेंस लगाते हैं तो वो चेक करेगा तुम्हारा कि उस मेथड में, यानी कि इस क्लास में मेरा
क्या वो मेथड नेम ऑलरेडी प्रेजेंट है कि नहीं। अगर नहीं प्रेजेंट है तब वो अपने ऊपर वाले यानी कि पेरेंट क्लास में वो जाके चेक करेगा। जैसे कि इसको अगर कमेंट कर दे तो यहाँ सिर्फ देखना आई एम ए बॉय प्रिंट होगा दो बार, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू पर्सन। अच्छा यहाँ पे पास लगाना होगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पे पास लगा दिए ताकि मेरा प्रोग्राम गलत ना हो। आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय दो बार प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट डॉट बायो कॉल किए तो ये तो है इसमें, ठीक है, कॉल करा दिए पर्सन वाले क्लास से, कंस्ट्रक्टर से। अब तुम्हारा फिर जैसे ही यहाँ पे कॉल किए हम लोग ऑब्जेक्ट वन डॉट बायो, तो ये सबसे पहले जाके देखा कि इसमें है कि नहीं, और जैसे ही इसमें नहीं है तो जाके ये वाले बायो को प्रिंट करा दिए। तो होप कि तुम लोग को मेथड ओवर राइडिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे वो ओवर राइड कर रहा है, मतलब कि कैसे वो अच्छा नहीं लगा तो वो प्रिंट हो गया क्या कि मैं बॉय नहीं मेरा नाम भी है कुछ, तो नाम भी प्रिंट हो गया। तो इस तरह तुम अपना पूरा बायोग्राफी लिख सकते हो अलग अलग क्लास से मेथड ओवर राइड करा के। अब आता है यहाँ पे हम लोग एक चीज समझते हैं कि क्या हम लोग यहाँ पे हम लोग मेथड ओवरलोडिंग अचीव कर सकते हैं कि नहीं, कैसे अचीव करेंगे। तो इसका मैं ऊप्स में नहीं जाऊंगा, इसका मैं सिंपल से एग्जाम्पल दूंगा क्योंकि यहाँ पे अचीवेबल नहीं है, तो इसीलिए हम लोग सिंपल से एग्जाम्पल देंगे एक प्रोडक्ट के नाम से। कोई भी एक क्लास बना लो, नाम बना लो यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट नहीं, सिंपल बना लो तुम्हारा अपना टेम्प, क्योंकि हमको पता ही नहीं है क्लास का नाम क्या रखना। तो एक पैरामीटर, बी पैरामीटर और सी इज इक्वल टू हम लोग दे देते, यहाँ पे नहीं देते हैं कुछ, ए इज इक्वल टू बी। अब हम लोग देते हैं कि रिटर्न करो भैया, प्रिंट करो ए प्लस बी, प्रिंट करो ए प्लस बी, ए प्लस बी को जो भी होगा वो प्रिंट करा देगा। अब एक और फंक्शन बना दिए, सेम पैरामीटर, सेम फंक्शन नेम, सेम मेथड नेम, लेकिन यहाँ पे पैरामीटर डिफरेंट होगा। बाय डिफॉल्ट ये पाइथन में सपोर्ट करता नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या किए कि सी को ऊपर ही पैरामीटर में डायरेक्ट डिफाइन कर दिए कि इसका वैल्यू 23 है। तो अगर ऐसे अलग से ओवरलोड करना चाहें तो ऐसा पाइथन में सपोर्ट नहीं होता। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा सी, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कर देते हैं हम लोग, ताकि हम लोग को समझ में आए। अब देखो यहाँ पे हम लोग ए पास करते हैं क्या 5, बी पास करते हैं हम लोग 10। तो देखो ऊपर वाला होगा तो 10 + 5 15 होगा, लेकिन हम लोग क्या कर दिए, मेथड ओवरलोड कर दिए, यानी कि यहाँ पे सेम तुम्हारा मेथड नेम है लेकिन पैरामीटर जो है डिफरेंट है। तो प्रिंट कराते हैं हम लोग, अगर एक टेम्प को कॉल कराए हम लोग और यहाँ पे पास किए ए कॉमा बी, ऑलरेडी सी डिफाइंड है, देखो क्या आता है हम लोग का 38 आ रहा है। क्यों ऐसा 38 आ रहा है, क्योंकि ए प्लस बी 15 + 23। तो यहाँ पे कौन वाला कॉल हुआ, ये सेकेंड वाला कॉल हुआ, ये फर्स्ट वाला कॉल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी इसको सबसे सेकेंड में रखे हैं और ये ओवरलोड कर रहा है उसको, फर्स्ट वाले को ओवरलोड कर रहा है ये वाला, इसीलिए मेरा सबसे पहले ये कॉल होगा। तो यहाँ पे हम लोग ओवरलोड कर दिए, अगर देखा जाए तो ये ओवरलोड डायरेक्टली किया ही नहीं है क्योंकि पाइथन में सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए मैं समझाने के लिए बस बता दिया हूँ। यहाँ पे तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, सी इज इक्वल टू नन, तो मेरा सेम आ जाएगा 15 आ जाएगा। यहाँ पे देखो इंट आ रहा है तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा, ए प्लस बी प्लस सी, अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं तो सपोर्ट हो जाएगा। तो ए कॉमा ए प्लस बी कॉमा सी अगर प्रिंट करा दे तो ये सपोर्ट करेगा, देखो 15 आ गया, नन और नन आ गया, तुम्हारा सी भी प्रिंट हो चुका है कि सी में ऑलरेडी नन स्टोर करा दी है। तो इस तरह काम करता है पाइथन में मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। क्या होता है एक बार मैं फटाफट बोल देता हूँ, तो मेथड ओवरलोडिंग को हम लोग बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसको हम लोग बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें बिना इनहेरिटेंस के काम नहीं चलता, इसमें विद इनहेरिटेंस और विदाउट इनहेरिटेंस दोनों में काम चल जाएगा, क्योंकि वहां पे भी पैरामीटर अगर क्लास बना के यहाँ पे पैरामीटर अपने मन से नन डिफाइंड कर दो या फिर 23 और कॉल कराओ तो दोनों में इनहेरिटेंस विदाउट इनहेरिटेंस चल जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा इसको हम लोग बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग और एक को हम लोग बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। कैसे कैसे हम लोग करते हैं प्रोग्राम के साथ हम लोग देख लिए, तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज अब्स्ट्रैक्शन। उसके बाद कुछ कीवर्ड्स रह जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, वो मुझे एग्जैक्टली भी याद नहीं है, मैं देख के बताऊंगा तुम लोग को कौन से, जैसे सुपर कीवर्ड है तो उस तरह के कुछ कीवर्ड्स होंगे, उन कीवर्ड्स को हम लोग अच्छे से देखेंगे एक क्लास, एब्स्ट्रैक्शन देखेंगे, फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग, यानी कि लगभग लगभग कितना क्लास लगेगा, एब्स्ट्रैक्शन एक क्लास, कीवर्ड्स में दो क्लास, फाइल हैंडलिंग एक क्लास और एक्सेप्शन हैंडलिंग एक क्लास, यानी कि टोटल कुल मिला के 4 क्लास और होगा। उसके बाद हम लोग कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे, फिर से वापस बैक उसी फ्लो में। मेरा पाइथन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूरा खत्म हो जाएगा, यानी कि कोई भी आदमी अब चाहेगा तो एक लैंग्वेज को कंप्लीट सीख सकता है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर पाइथन में सीखना चाहता है तो वो कंप्लीट सीख सकता है, वहां पे ये अवेलेबल रहेगा।
थैंक यू वेरी मच।